करवा चौथ पर अगर आप अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि गिफ्ट में क्या खरीदें या महिलाओं को क्या पसंद होता है, तो आपको बता दें कुछ ऐसे खास गिफ्ट के बारे में जो हर महिला की पहली पसंद होता है। चलिए देखते हैं। अगर करवा चौथ पर आप अपनी पत्नी को हैंडबैग गिफ्ट करेंगे तो यकीन मानिए उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और वो आपकी चॉइस की तारीफ भी करेंगी। यही नहीं, हर महिला को पसंद होता है सोने का झुमका, अंगूठी, हार या फिर सोने का कोई भी सामान। तो अगर आप अपनी पत्नी को सोने की बनी हुई अंगूठी या झुमके गिफ्ट करते हैं तो यकीनन यह भी उनको गिफ्ट के तौर पर बेहद पसंद आएगा और वे आपकी चॉइस की तारीफ भी करेंगी। इसके अलावा अगर आप अपनी पत्नी को सैंडल गिफ्ट करेंगे या चिकनकारी साड़ी या बनारसी साड़ी गिफ्ट करेंगे तो यह भी उनको काफी पसंद आएगा। अगर आपका पहला करवा चौथ है तो अपनी पत्नी को मेकअप बॉक्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, यह भी उनको काफी पसंद आएगा। करवा चौथ पर मिलने वाले गिफ्ट का उत्साह महिलाओं में कितना होता है, चलिए जानते हैं। मैं जहाँ तक बता दूँ कि ये मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है और करवा चौथ के लिए तो मैं बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ। और गिफ्ट का तो गिफ्ट से लेकर मतलब ये इतने पूरा फेस्टिवल ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो जो सरप्राइज गिफ्ट मिलता है तो वो तो पूछो ही मत, उसके लिए तो बहुत वो रहता है ना कि क्या मिलेगा इस बार, क्या मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले तो आप देखिए, हमने पूरी शॉपिंग तो कर लिया है, साड़ी जो भी हमें चाहिए, लेकिन वो जो सरप्राइज रहता है ना वो तो हस्बैंड से उसी दिन पता चलता है कि क्या मिलेगा। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये नहीं चाहिए कि बहुत गिफ्ट महंगाई हो ये, लेकिन मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक तो दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं और फिर वो प्रसाद वगैरह बनाना, साफ सफाई को लेके, मतलब सब कुछ देखते हुए भी शाम को जब तैयार होने के बाद, पूजा के बाद वो जब गिफ्ट आता है ना तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, पूरी थकान मिट जाती है। मैम, मेरे को सबसे पहले तो शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है, तो करवा चौथ में जो शॉपिंग करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गिफ्ट को लेकर के, गिफ्ट तो मतलब वो सरप्राइज होता है, गिफ्ट तो सारी लेडीज़ों को बहुत पसंद होता है, और हस्बैंड की वजह से मतलब कोई गिफ्ट मिले तो उसके लिए तो हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हाँ, वो तो सभी को इंतज़ार होता है कि हस्बैंड क्या देंगे। पूरा दिन व्रत करने के बाद ये लगता है कि अब शाम को कुछ गिफ्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा आप लगता है। डिमांड नहीं करते, अपने मन से ही देते ना कुछ ना कुछ? नहीं, हाँ, हमेशा अपने मन से ही देते हैं, बस बोलना नहीं पड़ता। पूछ के दिया कि क्या चाहिए? नहीं, वो तो सरप्राइज ही रहता है। नहीं, फिर अच्छे पूछ के अगर हम लोग बता देंगे ना, फिर वो मजा नहीं आता है ना, कि हमें तो चाहे वो गजरा ही क्यों ना हो, लेकिन उनके द्वारा लाया हुआ, उनके हाथों से पहना हो, वही बहुत अच्छा लगता है ना, कि एक कोई भी चीज़ जो हमें नहीं पता, हम अननोन हो उसके लिए, तो वो मुझे अच्छा लगता है। खोलने में, देखने में, हाँ, कि क्या है। तो आपस में अकेले कर लेते हैं तो इसलिए डबल करवा रखते हैं। एक में जल देते हैं जो कि हम लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं, और एक में क्या होता है, मिठाई या फिर चूड़ा जो नए धान का होता है वो भरा जाता है हमारे में। तो एक से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, इसमें क्या होता है, ये कटोरी है, इसमें चावल भरते हैं और उसके ऊपर ये दिया जलाते हैं। फिर ये पानी पीने के लिए होता है, और इसमें क्या है, स्वीट रखते हैं, और एक थाल भी तैयार करते हैं, और प्लस ये हमारी छन्नी होती है जिसकी वजह से हम अपने पहले चांद को देखते हैं, फिर अपने हस्बैंड को देखते हैं। तो अगर आपने आज तक कभी गिफ्ट नहीं दिया है तो इस साल देकर देखें, अच्छा लगेगा। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल।